नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का पार्ट फोर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है, प्रूव दैट द रिजल्टेंट या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस इज अगेन ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो, इसके प्रूफ में लेट कर लेते हैं, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, वेयर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड फाइ इज इक्वल टू ए वन डब्लू प्लस बी वन सी वन डब्लू प्लस टी वन, वेयर ए वन डी वन माइनस के बी वन सी वन नॉट इक्वल टू जीरो, बी टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ जो W है इन इक्वेशन टू, तो फाइ देखो क्या बनता है, ए वन डब्ल्यू क्या है, ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी प्लस बी बी वन। अब यहाँ पर सी वन और ये आ जाएगा ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी और प्लस में डी वन। एलसीएम लेके ये कैंसिल करते हैं तो बचेगा ए ए वन प्लस बी वन सी इंटू जेड प्लस ए वन बी प्लस के सी वन डी, और ये क्या बचेगा, ए सी वन प्लस के डी वन सी इंटू जेड प्लस डी वन डी प्लस के सी वन डी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, भाई इसको ऐसा ले लेते हैं, दिस इज ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी। ठीक है, वेयर कैपिटल ए तो क्या है, ए ए वन प्लस के बी वन सी, कैपिटल बी किसके इक्वल, ए वन बी वन प्लस के सी वन, ये आ जाएगा ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी इसमें, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए वन बी आएगा और प्लस यहाँ पर थोड़ा चेंज है, प्लस आ जाएगा बी वन डी और अपॉन में डी वन डी प्लस सी वन डी, ये ठीक है, सी वन ए प्लस डी वन सी, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब कैपिटल बी की क्या वैल्यू हो गई है आपके पास, ए वन बी प्लस के बी वन डी, सी किसके इक्वल है, ए सी वन प्लस के सी डी वन, और डी किसके इक्वल है, डी वन डी प्लस के सी वन डी। अब ये फाइ अगेन ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कब, जिस केस में ए डी माइनस बी सी हम क्या प्रूव कर दें, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए डी माइनस बी सी, ए की वैल्यू क्या है, ए ए वन प्लस के बी वन सी, डी वन डी प्लस के सी वन बी, माइनस के ए वन बी प्लस के बी वन डी, और यहाँ पर सी वन ए प्लस के डी वन सी। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए वन डी वन प्लस के बी वन सी वन और इंटू में ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जीरो है नहीं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फाइ इज ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। फाइ क्या होगी हमारी, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट थ्योरम आती है, प्रूव दैट एवरी
मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद सिंपल ज्योमेट्रिक इंपोर्ट्स। ठीक है, तो देखो हम कैसे प्रूव करते हैं इसका, एवरी मूविज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक मूविज ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, हम मूविज ट्रांसफॉर्मेशन लेट करते हैं W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, वेयर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो और सी भी नॉट इक्वल टू जीरो, एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, ऊपर से ए कॉमन, जेड प्लस बी बाय ए, सी कॉमन, जेड प्लस डी बाय सी, तो ये क्या आ जाएगा ए बाय सी। इसको हम क्या करते हैं, जैसा नीचे है वैसा बना लेते हैं ऊपर वाला को, जेड प्लस डी बाय सी, ये जेड है प्लस के डी बाय सी कर दिया और माइनस के डी बाय सी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये अलग अलग अपॉन में लिख लेते हैं, ए बाय सी बार ये इसके अपॉन में करेंगे तो वन प्लस के बी बाय ए माइनस डी बाय सी अपॉन में जेड प्लस डी बाय सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बाय सी प्लस ए बाय सी और एलसीएम लोगे तो बी सी माइनस ए डी अपॉन में ए सी और इसके अपॉन में आ जाएगा जेड प्लस डी बाय सी, ये ए से कैंसिल हो जाएगा और सी सी क्या आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वेयर। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू ही चलता आ रहा है, ए बाय सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वेयर जेड प्लस डी बाय सी। तो अब इसको नेक्स्ट फाइनल स्टेप लिखते हैं, ए बाय सी प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वेयर इंटू वन बाय जेड प्लस डी अपॉन सी। तो सबसे पहले जेड वन हमने लिख दिया जेड प्लस डी बाय सी, जेड टू क्या लिख दिया वन बाय जेड वन, जेड थ्री क्या लिख दिया बी सी माइनस ए डी बाय सी स्क्वेयर इंटू में जेड टू, और डब्ल्यू क्या लिख दिया दिस इज ए बाय सी प्लस में जेड थ्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऑल दीज, ये जेड वन जो है, जेड टू है, ये जेड थ्री है, ये किस फॉर्म का बन गया हमारे पास, ये सारा देखो डब्ल्यू कैसा बन गया, डब्ल्यू इज लाइक के जेड प्लस एल्फा, डब्ल्यू इज वन बाय जेड इसका भी यूज हो रखा है एंड डब्ल्यू इज बीटा जेड इज दैट, हेंस द रिजल्ट एवरी मूविज ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ These above types of Mobius transformations, ये जवाब थे। अब अपने पास आ जाता है क्रॉस रेशो। अब क्रॉस रेशो क्या है, इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दी रेशो जेड फोर माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री जेड फोर माइनस जेड थ्री जेड टू माइनस जेड दिस इज कॉल्ड द क्रॉस रेशो। और
z1 z2 z3 एंड z4 एंड डिनोटेड एज z1 z2 z3 कॉमा z। इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो प्रोसेस है, z4 z2 लिख दिया ऊपर भी नीचे भी ऐसे, पहले इसमें से z1 इसमें से z2 में से z3, अब क्रॉस कर दिया यहाँ पर z3 और ये यहाँ पर z1। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दिस इज ए क्रॉस रेशो। अब इसी क्रॉस रेशो की एक थ्योरम करते हैं हम कि भाई शो करना है दे क्रॉस रेशो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसका। पहले सपोज कर लेते हैं हम W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी वेयर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस बी एनी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स ये विच ट्रांसफॉर्म z1 z2 z3 z4 टू पॉइंट्स w1 w2 w3 w4। ठीक है, दिस इज मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू एस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। डब्ल्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ पर पुट करें तो ए जेड आर प्लस बी सी जेड आर प्लस डी माइनस ए जेड एस प्लस बी बाय सी जेड एस प्लस डी। तो डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू एस इसकी क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास, ए डी माइनस बी सी और यहाँ आ जाएगा जेड आर माइनस जेड एस अपॉन में सी इंटू जेड आर प्लस डी सी इंटू जेड एस प्लस डी। तो ये आ गया। तो अब इसमें हम क्या पुट करते हैं, पुटिंग आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस इक्वेशन में। ठीक है, इन स्टार। तो देखो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू ये निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, दिस इज जेड वन माइनस जेड टू, यहाँ आ जाएगा सी जेड वन प्लस डी सी जेड टू प्लस डी। अब आएगा डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू फोर या डब्ल्यू फोर माइनस डब्ल्यू थ्री ये लिख सकते हैं हम इसमें। तो इस टाइप से आ जाएगा ये ए डी माइनस बी सी और जेड थ्री माइनस जेड फोर अपॉन में सी जेड थ्री प्लस डी सी जेड फोर प्लस डी, ऐसे ही डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू टू ए डी माइनस बी सी जेड थ्री माइनस जेड टू सी जेड थ्री प्लस डी सी जेड टू प्लस डी। अब उसके बाद क्या आता है डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू फोर, दिस इज ए डी माइनस बी सी जेड वन माइनस जेड फोर सी जेड वन प्लस डी सी जेड फोर प्लस डी। तो अब इन सब को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इन सब की वैल्यूज डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू फोर डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू
डब्ल्यू थ्री माइनस के डब्ल्यू फोर। तो इन सब की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो कैंसिल कर कर आके हमारे पास आता है जेड वन माइनस जेड फोर और जेड थ्री माइनस जेड टू अपॉन में जेड वन माइनस जेड टू, दिस इज जेड थ्री माइनस जेड फोर। देयरफॉर क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन। इन इनवर्स पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। तो देखो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक ये सेंटर हो गया, इसको हमने लिख दिया ओ जेड नोट, और ये लाइन लेते हैं, इस पॉइंट को लिख दिया ए ए और इस बार वाले पॉइंट को लिख दिया पी पी। ठीक है, तो अब देखो इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। टू पॉइंट्स ए जेड इज इक्वल टू ए एंड बी जेड इज इक्वल टू बी आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ जेड इज इक्वल टू जेड नोट एंड रेडियस आर इफ ओ ए बी दीज आर कोलिनियर, एक तो कोलिनियर एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो ओ ए इंटू ओ बी दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया भाई ए माइनस के जेड नॉट बी माइनस के जेड नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब हम ए और बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स पॉइंट्स। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस के जेड नोट दिस इज इक्वल टू माइनस के आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस जेड नोट का कंजुगेट, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, वे आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस जेड नोट दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस जेड नोट, दोनों का इक्वल, इसको नेगेटिव और इसका कंजुगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट प्लस आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस जेड नॉट इसका कंजुगेट किसके इक्वल आ जाए, जीरो। जीरो है इसका मतलब जो आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस जेड नॉट इंटू बी माइनस जेड नॉट, आर्गुमेंट नहीं अब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, दिस इंप्लाइज और इसका कंजुगेट दिस इज रियल एंड इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स पॉइंट। तो ए और बी एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट्स होंगे, टू इनवर्स पॉइंट्स होंगे, कब, जब ए माइनस जेड नोट इंटू बी माइनस जेड नोट का कंजुगेट किसके इक्वल आ जाए, आर स्क्वायर। अब ये रिक्वायर्ड कंडीशन, तो इस कंडीशन का हम यूज करके इनवर्स पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हम इस पे बेस्ड थ्योरम करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल देन इक्वेशन
ऑफ द सर्कल इज जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा का मॉडुलस इज इक्वल टू के, वेयर के नॉट इक्वल टू वन एंड रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं हम इसका। तो पहले लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा बी द इनवर्स पॉइंट्स। विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल सर्कल क्या लिए है जेड माइनस जेड नॉट, दिस मॉडुलस इज इक्वल टू आर, सो डेट OA into OB this is equal to R। देखो ये सर्कल हमने बना ली, इसको तो R रेडियस, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये अल्फा और ये क्या कर लेते हैं बीटा। ठीक है, और ये O ले लेते हैं हमारा ओरिजिन सेंटर। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, लेट कर लेते हैं जो ओ ए है वो बी है, सो डेट जो ओ बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा फिर आर स्क्वेयर अपॉन बी। तो हम टेक करके चल रहे हैं इसमें कि अल्फा माइनस जेड नोट क्या लिया हमने बी इंटू ई रेस्ट पावर आयटा लैम्डा एंड बीटा माइनस जेड नॉट दिस इज आर स्क्वेयर अपॉन बी इंटू ई रेज टू पावर आयटा लैम्डा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसे। ठीक है, तो ऐसा लिखने पर एनी पॉइंट जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, दिस इज जेड माइनस जेड नॉट किसके इक्वल होता है आर इंटू ई रेज टू पावर आयटा थीटा, तो जेड की वैल्यू हो जाती है जेड नॉट प्लस आर इंटू ई रेस्ट पावर आयटा थीटा। तो अब जो कंडीशन है वो क्या लेनी है जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा, तो जेड नॉट प्लस आर ई रेस्ट पावर आयटा थीटा माइनस के अल्फा अपॉन में जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयटा थीटा माइनस के थीटा इसका मॉडुलस। तो देखो इसमें कैसे आएगा, जेड माइनस जेड नॉट माइनस अल्फा प्लस आर ई की पावर आईटा थीटा, जेड नॉट माइनस बीटा प्लस आर ई रेस्ट पावर आईटा थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है इसमें, जेड नॉट माइनस अल्फा हमने क्या लिया है माइनस के बी ई रेस्ट पावर आईटा लैम्डा प्लस आर ई की पावर आईटा थीटा, ये आ जाएगा माइनस के आर स्क्वेयर अपॉन बी ई रेस्ट पावर आईटा लैम्डा प्लस आर ई रेस्ट पावर आईटा थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, माइनस को मन कर देते हैं तो आ या माइनस वाली क्वांटिटी को बाद में लिख देते हैं। और इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे आर नीचे से कॉमन बी एलसीएम आ जाएगा बी ऊपर आ जाएगा, तो बी अपॉन आर दिस इज इक्वल टू आर ई की पावर आयटा थीटा माइनस बी ए की पावर आयटा लैम्डा बी ई रेस्ट पावर आयटा थीटा माइनस आर ई की पावर आयटा लैम्डा, ये बी था। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, दिस इज बी अपॉन आर है, इसको हम के ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं दिस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा के इनटू आर ई की पावर आयटा थीटा, क्या होता है आर इनटू ई की पावर आयटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा माइनस बी बार, ये आ जाता है कोस लैम्डा प्लस में आयटा साइन। ऐसे ही बी कॉमन
कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा माइनस के आर कॉमन कोस लेमडा प्लस में आयटा साइन लेमडा। तो के तो बाहर है, अंदर पहले क्या लेते हैं, आर कोस थीटा माइनस के बी कोस लेमडा आयटा कॉमन आर साइन थीटा माइनस के बी साइन लेमडा। अपॉन में क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा माइनस आर कोस लेमडा प्लस में आयटा, दिस इज बी साइन थीटा माइनस के आर साइन लेमडा, ये मॉडुलस, ये वैल्यू बच जाती है। तो अब इसका मॉडुलस जब हम सोल्व करेंगे, ऊपर वाले का अलग सोल्व होगा, के इंटू ये ए प्लस आयटा बी, दिस इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट, और सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट और सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे में भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर और सोल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो क्या बचेगा आपके पास, दिस इज आर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू क्या आती है, तो इसका मतलब जेड माइनस अल्फा बाय जेड माइनस बीटा मॉडुलस दिस इज इक्वल टू के, के नॉट इक्वल टू वन और बी नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या आती है, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन्स इंटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, भाई इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद अल्फा एंड बीटा बी इनवर्स इनवर्स पॉइंट्स इन जेड प्लेन एच गिवन बाय, अभी अभी जो थ्योरम की है, क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू वन, ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद अल्फा एंड बीटा आर एच इनवर्स पॉइंट। अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी वेयर ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जेड की वैल्यू याद है, ठीक है। अब जो ये कंडीशन, एक तो ये फर्स्ट कंडीशन है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, और ये जेड की वैल्यू निकालिए, तो जो इक्वेशन टू है पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम टू इन वन, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू माइनस बी बाय माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए माइनस अल्फा अपॉन डी डब्ल्यू माइनस बी बाय माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू के, ठीक है। तो एलसीएम लेके सोल्व करें तो यह आ जाएगा डी डब्ल्यू माइनस बी और प्लस में सी डब्ल्यू एल्फा माइनस के ए एल्फा अपॉन में डी डब्ल्यू माइनस बी
प्लस सी डब्ल्यू बीटा माइनस के ए बीटा और एलसीएम कैंसिल। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं। डब्ल्यू कॉमन तो डी प्लस में सी एल्फा माइनस ए एल्फा प्लस बी, नीचे क्या रह जाएगा, डब्ल्यू कॉमन डी प्लस सी बीटा माइनस के ए बीटा प्लस बी, दिस इज इक्वल टू के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डी प्लस सी एल्फा और डी प्लस सी बीटा, एक ऊपर से एक नीचे से कॉमन लें तो अंदर बन जाएगा डब्ल्यू माइनस के ए एल्फा प्लस बी बाय डी प्लस सी एल्फा, डब्ल्यू माइनस ए बीटा प्लस बी बाय डी प्लस सी बीटा, दिस इज इक्वल टू के। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और डब्ल्यू माइनस ए एल्फा प्लस बी बाय डी प्लस सी एल्फा, डब्ल्यू माइनस ए बीटा प्लस बी बाय डी माइनस सी बीटा, और दिस इज इक्वल टू डी प्लस सी बीटा अपॉन में डी प्लस सी एल्फा और इनटू के। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, अब ये किस फॉर्म में दिखने लगी, डब्ल्यू माइनस अल्फा डैश अपॉन में डब्ल्यू माइनस बीटा डैश, दिस इज इक्वल टू के डैश। ठीक है, वेयर अल्फा डैश इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बाय डी प्लस सी अल्फा, बीटा डैश इज इक्वल टू ए बीटा प्लस बी बाय सी बीटा प्लस डी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डैश किसके इक्वल हो गया, ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, वेयर जेड इज इक्वल टू अल्फा, एंड बीटा डैश क्या है, दिस इज ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, वेयर जेड इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, इस टाइप से। और जो के डैश है वो किसके इक्वल है, डी प्लस सी बीटा डी प्लस सी अल्फा और दिस इनटू के, ये आ जाएगा। तो अब देखो हम किस टाइप से लिखते हैं इसको, इसको इक्वेशन नंबर टू लिख सकते हैं, मैं टू तो यूज कर चुके, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कर सकते हैं। देखो ऊपर क्या किया हमने, अभी इक्वेशन वन इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, दस द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट्स सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन विद अल्फा डैश एंड बीटा डैश एज इनवर्स पॉइंट्स, इन पर्टिकुलर when k is equal to 1 then equation जो 1 है, this represents a straight line which bisect perpendicular the line joining alpha to beta। जब k की वैल्यू 1 आ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनकी वैल्यूज पुट करके इक्वेशन 1 से सॉल्व कर सकते हैं।
दस द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्स द लाइन वन ऑफ जेड प्लेन इंटू ए सर्कल इन डब्लू प्लेन एंड द पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन becomes inverse points in W. तो अभी हमने क्या प्रूव किया है कि भाई जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है वो सर्कल और स्ट्रेट लाइन को किस पे मैप करती है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हेंस द प्रूफ। तो इस टाइप से जो थ्योरम्स हैं हमारी वो कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।